दोस्तों, भारत में बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनको राजाओं द्वारा बनाया गया और आज भी वो सभी जगह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो वहीं आज भी लोग उन जगहों पर जाकर उन जगहों के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जौहर कुंड एक ऐसी जगह है जहां पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया और वह जाने की आज तक किसी ने हिम्मत भी नहीं की। हर कोई वहां तक पहुंचने में नाकाम रहा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर जौहर कुंड में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आज तक वहां पर कोई नहीं पहुंच पाया। अगर आप भी ये सभी बातें जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, आप सभी लोगों ने फिल्म पद्मावत तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म में रानी पद्मावती के जीवन के बारे में बताया गया है। इस फिल्म को देखकर ही पता चलता है कि रानी पद्मावती राजा रतन सिंह की पत्नी थी और दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत भी थी और उनकी खूबसूरती पर हर कोई फिदा था। जहां एक ओर रानी पद्मावती की खूबसूरती ने उनको चित्तौड़गढ़ की रानी बनाया, तो दूसरी ओर रानी पद्मावती को अपनी खूबसूरती की वजह से अपनी जान भी लेनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल खिलजी सल्तनत के दूसरे शासक यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की नजर रानी पद्मावती पर पड़ जाती है और इनकी खूबसूरती की चर्चा सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी अपना दिल पद्मावती को दे बैठते हैं, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर हमला कर देता है और हमले में राजा रतन सिंह और बाकी सभी सिपाही मारे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है और जब ये बात रानी पद्मावती को पता चलती है तो वो अपने आप को जौहर कुंड में जलाकर मार लेती है। इस जौहर कुंड में रानी पद्मावती के साथ साथ लड़ाई में शहीद हुए बाकी सभी सिपाहियों की पत्नियां भी होती है। साथ ही पूरे महल की रानियां अपने आप को जौहर कुंड के हवाले कर देती है। जब खिलजी चित्तौड़गढ़ के महल में घुसता है तब उनको रानी पद्मावती और बाकी सभी औरतों की राख मिलती है। कहा यह जाता है कि आज भी जौहर कुंड से उन औरतों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है और आज भी वो औरतें सभी को पुकारती हुई सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से वहां आज तक कोई नहीं जा पाया। हम आपको बता दें कि इस जौहर कुंड को भूतिया जौहर कुंड भी कहा जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ भूत प्रेतों का वास है, जिसकी वजह से यहाँ कोई नहीं जाना चाहता। अगर कोई वहां जाने की कोशिश भी करता है ना, तो वो जौहर के पास जाने में नाकाम हो जाता है और आज भी जौहर कुंड के आसपास जौहर के लपटों की गर्माहट महसूस की जा सकती है। इन्हीं सभी वजहों से आज जौहर कुंड एक राज बना हुआ है। इस राज का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही कुमार, रजनीतेश किंग और अर्जुन तिवारी हमारे दो ऐसे व्यूवर हैं जो हमारी वीडियो पर प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो हमें कमेंट करना ना भूलें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।